नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राज पांडे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का जो है, बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का सैन्य अध्ययन, सैन्य इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक, सैन्य इतिहास के बारे में। पिछली वीडियो में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। 1 से 50 तक क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने करा दिए हैं आप लोग को। ठीक है, तो पेपर हैकर चैनल के माध्यम से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक बात और बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पीडीएफ फाइल दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और अच्छा से अच्छा टिप्स आप लोग के लिए हम लाएं। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर ही है, अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे लाइक शेयर और ताकि आप लोग के फ्रेंड्स जो हैं वो भी शेयर कर लें, वो भी पढ़ लें। ठीक है, बीए के कोर्स जितने हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इसके माध्यम से। ठीक है, तो कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो सैन्य इतिहास आज पढ़ाएंगे बच्चों आप लोग को हम। सैन्य इतिहास का 1 से 50 तक क्वेश्चन हो चुका है और 51 नंबर क्वेश्चन जो है अब हम करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन फोकस करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आंसर नहीं वेरीफाई कर पाएंगे। तो क्वेश्चन समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन। राजपूत सन पूछ रहा है कि राजपूत सन जो है पद्धति, राजपूत सन पद्धति का काल है, राजपूत सन पद्धति का काल कब से कब तक रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों 547 से 1206 ईस्वी तक, 647 से 1206 ईस्वी तक, 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक और 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। तो 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक जो है कौन काल चला, राजपूत काल, कितने से 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी, और 1206 ईस्वी में जो है क्या आ गया, गुलाम वंश, गुलाम वंश का उदय हो गया यहां से, गुलाम वंश आ गया जिसमें ऐबक ये सब आए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ये सब मेन थे गुलाम वंश के, ये सब आए। 1206 से गुलाम वंश स्टार्ट हो गया और 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल रहा, कब से कब तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 600 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक कौन काल रहा, राजपूत काल। 600 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक राजपूत काल रहा और 1206 से गुलाम वंश राजपूत सन पद्धति जो है स्टार्ट हो गई, कब से, 1206 ईस्वी से जो है गुलाम वंश स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 52 नंबर, युद्ध में आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर के स्थान पर राजपूत श्रेष्ठ समझते थे, युद्ध में आत्मसमर्पण के स्थान पर राजपूत श्रेष्ठ समझते थे क्या, भाग जाना, आत्महत्या कर लेना, बहादुरी से लड़ना, शत्रु को घेर कर रखना। युद्ध में राजपूत जो है आत्मसमर्पण करने में क्या करते थे, हिचकते थे, इसलिए जो है आत्मसमर्पण करना वो नहीं चाहते थे, सरेंडर करना, इससे अच्छा वो समझते थे कि हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करना वो पसंद करते थे लेकिन सरेंडर करना पसंद नहीं करते थे, कौन, राजपूत बच्चों, कौन, राजपूत। यही पूछ रहा है, युद्ध में आत्मसमर्पण के स्थान पर राजपूत श्रेष्ठ समझते थे क्या, आत्महत्या। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन,
युद्ध में राजपूतों के मर जाने पर समस्त राजपूत स्त्रियां सामूहिक रूप से करती थी क्या? समस्त राजपूत स्त्रियां क्या करती थी? विलाप करती थी, अग्नि में आत्म बलिदान जौहर करती थी, आक्रोश करती थी, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो उस समय कौन प्रथा चलती थी बच्चों? जौहर प्रथा चलती थी कि पति के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद स्त्रियां जौहर करती थी, मतलब कि अग्नि में कूद कर बलिदान दे देती थी, जान दे देती थी, जौहर कर लेती थी, उसी को जौहर बोला जाता था। तो युद्ध में समस्त राजपूत स्त्रियां सामूहिक रूप से, जितनी राजपूत स्त्रियां रहती थी, उनके सैनिक, उनके पति और उनके राजा मर जाते थे तो अग्नि में आत्महत्या बलिदान कर लेती थी, जौहर कर लेती। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आगे देखिए, राजपूत की रचना और संगठन जो है, राजपूत की सेनाओं की रचना और संगठन मुख्य रूप से था। राजपूत की रचना और संगठन जो है मुख्य रूप से क्या था? समरतंत्री, मनसबदारी, ऋषलदारी और ठेकेदारी। बताइए तो राजपूत सेनाओं की रचना और संगठन का मुख्य रूप से था क्या? तो ये हो जाएगा बच्चों ए नंबर, समरतंत्री। क्या हो जाएगा? समरतंत्री जो हो जाएगा वो संगठनात्मक रूप था उसका, समरतंत्री। ठीक, आगे देखिए, राजपूतों की ऋण की हड्डी थी। ऋण की हड्डी क्या थी राजपूतों की? बैकबोन, मजबूती, उसकी मजबूती क्या थी? हस्ती सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना। बताइए उसकी ऋण की हड्डी, बैकबोन क्या थी राजपूत सेना की, कोई बता सकते हैं? तो वो थी बच्चों घुड़सवार सेना में प्रबल होते थे राजपूत, प्रबल होते थे घुड़सवार सेना में, वो जो थी उनकी रीढ़ की हड्डी थी राजपूत सेना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं तराइन का दूसरा संग्राम राजाओं के बीच। तराइन का दूसरा संग्राम राजाओं के बीच में हुआ, किसके बीच में? मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में, सिकंदर व पुरु के बीच में, बाबर व राणा सांगा के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के बीच में। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था, दूसरा। द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा संग्राम इन्हीं दो राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त किया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है आप लोग को ये ऐसा डिटेल्स। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया 1192 में, यही हुआ था तराइन का दूसरा संग्राम। ठीक, आगे की तरफ देखिए बच्चों, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है। सैन्य विज्ञान के अंदर एक ओर युद्ध के साधनों और दूसरी ओर उनके प्रयोगों का अध्ययन होता है, यह मत, सैन्य विद्वानों का मत क्या है कि एक ओर युद्ध के साधनों और दूसरी ओर उनके प्रयोगों का अध्ययन होता है, यह मत है जनरल फूलर का, नेपोलियन का, मेजर श्यामलाल का कि मार्शल टीटो का, किसका ये जो है प्रयोग का अध्ययन बताया गया है। 57 का क्या होगा बच्चों? तो ये जो होगा बच्चों क्या होगा, ए नंबर जनरल फूलर का जो है ये प्रयोग का अध्ययन बताया गया, किसका? जनरल फूलर का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि एक ओर युद्ध के साधनों और दूसरी ओर उनके प्रयोगों का अध्ययन जो है जनरल फूलर के द्वारा बताया गया था। ठीक, आगे देखिए, सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान जो है एक सामाजिक विज्ञान है जो हमें समाज में होने वाले युद्धों के कारण, प्रभाव तथा साधनों की जानकारी कराता है, यह कथन किसका है? सैन्य विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है बच्चों? सामाजिक विज्ञान है।
ये जो है हमें समाज में होने वाले युद्धों के कारण प्रभाव तथा साधनों की जानकारी कराता है। यह कथन है कैप्टन वीएन मालीवाल, मेजर श्यामलाल, डॉक्टर वाई के शर्मा और चौधरी नरेंद्र सिंह। तो ये किसका कथन है बच्चों? 58 नंबर का हो जाएगा, मेजर श्यामलाल का यह कथन है। ठीक है, कि जो हमें समाज में होने वाले युद्धों के कारण प्रभाव तथा साधनों की जानकारी कराता है, मेजर श्याम लाल। ठीक, आगे चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ, सैन्य विज्ञान समाज से संबंधित सैनिक विचारों के विकास, युद्ध यंत्रों, सैन्य संगठन, युद्ध कौशल, युद्ध नीति का अध्ययन करता है। यह विचार किसका है? अब विचार सब बताना है। सैन्य विज्ञान जो है समाज से संबंधित सैनिक विचारों के विकास, सैनिक के विचार जो है उनका विकास हो, और युद्ध के यंत्र जो हैं, युद्ध से लड़ने वाले बहुत सारे वेपन्स यंत्र, उनका विकास, और सैन्य संगठन का जो है उनका विकास, फिर युद्ध कौशल का विकास, ठीक, और युद्ध नीति का अध्ययन करता है। युद्ध कौशल और युद्ध नीति का भी अध्ययन करता है। यह विचार किसका है? यह विचार पूछ रहा है। तो ये जो है लिटिल हार्ट का, फिर कैप्टन एम पी वर्मा का, फिर मेजर श्यामलाल का, कैप्टन वी एन मालीवाल का, किसका है? तो ये हो जाएगा बच्चों 59 नंबर का डी नंबर, कैप्टन वी एन मालीवाल का। किसका? कैप्टन वी एन मालीवाल का जो है यह कथन है, कैप्टन वी एन मालीवाल। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन, मराठा सैन्य शक्ति कब शुरू हुई? ये कब शुरू हुई मराठों की सैन्य शक्ति? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के अंत में? तो मराठा सैन्य शक्ति जो शुरू हुई बच्चों, वो शुरू हुई 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी से ही जो है मराठा लोगों का विकास होने लगा और सैन्य शक्ति में उन लोग के इजाफा होने लगे। ठीक है, तो इसी के चलते जो है मराठा सैन्य शक्ति का विकास हुआ 17वीं शताब्दी में। आगे की ओर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी ने क्या कह रहा है? शिवाजी ने अपनी सेना में सर्वाधिक महत्व किस सेना को दिया? शिवाजी छापमार युद्ध लड़ते थे। कौन युद्ध लड़ते थे? छापमार। पूछता है छापमार युद्ध, मारो और भागो, अचानक अटैक, ये छापमार युद्ध की नीति थी। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से सर्वाधिक किस सेना को महत्व देते थे? पैदल सेना को, घुड़सवार सेना को, तोपखाने को, गज सेना को? तो शिवाजी जो है वो महत्व देते थे किसको? तो वो महत्व देते थे बच्चों घुड़सवार सेना को। किसको महत्व देते थे? घुड़सवार सेना को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे, घुड़सवार सेना को शिवाजी। राजपूत भी घुड़सवार को महत्व देते थे, घुड़सवार उस समय बहुत चलता था। ठीक, आगे देखिए, शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? टारगेट क्या था उनका? उनका टारगेट क्या था? ठीक है, तो उनका टारगेट था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उनका टारगेट क्या था? शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुरक्षित स्थानों की रक्षा करना, ठीक, औरंगजेब को नीचा दिखाना, हिंद मराठा राज्य की स्थापना करना, हिंदू और मराठा राज्य की स्थापना करना, विदेशियों को भगाना, क्या था? सुरक्षित स्थानों की रक्षा करना था, औरंगजेब को नीचा दिखाना था, हिंदू और मराठा राज्य की स्थापना करना था, और विदेशियों को भगाना था, बताइए। तो शिवाजी का मुख्य उद्देश्य जो था बच्चों वो ये था कि औरंग क्या होगा बताइए, कोई बताएंगे? 62 नंबर का कोई बताएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों हिंदू और मराठा राज्य की स्थापना करना था, मुख्य उद्देश्य उनका यही था, मुख्य उद्देश्य टारगेट था हिंदू
और मराठा राज्य जो है वो आगे बढ़े, ठीक है, उसका विस्तार हो, उसका क्या हो, विस्तार हो, उसका विस्तार हो, यही शिवाजी का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अचानक देखते हैं, चलिए ठीक है, 63 नंबर, 63 नंबर, मराठों की सेना में कुल कितने पोत थे? पोत का मतलब क्या होगा, जहाज, जहाज, जहाज जो थे मराठा सेना में कितने हुआ करते थे, यही पूछ रहा है ना कि जहाज कितने थे। ठीक, तो देखिए यहाँ 300 से 600 तक, आगे 200 से 300 तक, ठीक, 400 से 500 तक, कुल 600 पोत। कितने पोत थे जी मराठा सेना में, मराठा सेना में पोत पूछ रहा, जहाज की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो वो बच्चों हुआ करती थी कितनी, तो वो जो है 400 से 500 मराठा सेना में कुल पोत हुआ करते थे, कितने, 400 से 500 पोत, 400 से 500 जहाज हुआ करते थे, शिप, समुद्री जहाज, उसी से युद्ध लड़ते थे वो लोग, ठीक है। तो ये तो हुआ करते थे मराठा सेना में उस समय, ठीक है। आगे देखिए यहाँ कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये जो है मराठों ने अपनी सेना में यूरोपियों को कब भर्ती किया, यूरोपियों को पूछ रहा है कि यूरोपियों को कब भर्ती किया, 1750 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में, मराठा सेना में पहले यूरोपी घुस गए और फिर व्यापार की ईस्ट इंडिया कंपनी, तब ना भारत पर आधिपत्य जमाया जी। बहुत उनकी नीति जटिल थी, बहुत ही नीति उनकी प्लानिंग के तहत काम की थी। मराठा सेना में यूरोपियों को भी भर्ती किया गया था, वो कब किया गया था, यही उसका ईस्वी सन पूछ रहा, तो वो किया गया था बच्चों 1750 ईस्वी में, मराठों ने अपनी सेना में यूरोपियों को जगह दिया, कब दिया, 1750 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। मराठा सेना में हवलदार कितने घुड़सवारों का नायक होता था, हवलदार जो होता था वो कितने घुड़सवारों का नायक होता था, 36 घुड़सवारों का, 30 घुड़सवारों का, ठीक है, आगे देखिए 25 घुड़सवारों का, ठीक है, 32 घुड़सवारों का, कितने घुड़सवारों का नायक होता था, तो 65 नंबर हो जाएगा बच्चों, क्या, वो जो हो जाएगा 32 घुड़सवारों का नायक होता था। मराठा सेना में हवलदार जो है कितने घुड़सवारों का नायक होता था, तो 32 घुड़सवारों का नायक मराठा सेना में हवलदार हुआ करता था, 32 घुड़सवार उसके अंडर में रहा करते थे। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 66 नंबर, 66 नंबर, मराठा सेना में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी पूछ रहा है, क्या था, सेनापति था, पेशवा था, सेना अध्यक्ष था, स्वयं राजा था, सर्वोच्च अधिकारी जो है बच्चों वो कौन था, वो था बच्चों सेना अध्यक्ष जो था वो सर्वोच्च अधिकारी के पद पर नियुक्त था, कौन, सेना अध्यक्ष। अब देखिए हम मराठों, 67 नंबर, मराठों की युद्ध कला की विशेषता क्या थी, उनकी जो युद्ध कला थी उनकी विशेषता पूछ रहा, मैदानी युद्ध, गोपनीय युद्ध, छापमार युद्ध प्रणाली, किलों का युद्ध, बताइए। तो मराठों की कला की विशेषता जो थी युद्ध की वो थी मैदानी युद्ध, मैदान में एक दूसरे के सामने टक्कर लेते थे और युद्ध लड़ते थे, मैदान में युद्ध लड़ते थे, फील्ड, बैटल ऑफ फील्ड, मैदानी युद्ध थी उनकी नीति, यही उनकी विशेषता बता रहा, यही उनकी विशेषता थी। 68 नंबर देखिए बच्चों, 68 नंबर, पानीपत का तीसरा संग्राम कब हुआ था, पानीपत का तीसरा संग्राम कब हुआ था, यही पूछ रहा है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, 15 मई 1760 ईस्वी को, 10 मार्च 1762 ईस्वी को, 18 दिसंबर 1784 ईस्वी को, बताइए। तो पानीपत का तीसरा संग्राम जो हुआ था बच्चों वो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, कब हुआ था पानीपत का तीसरा संग्राम, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था,
तृतीय युद्ध, तीसरा संग्राम 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक, पानीपत का तीसरा संग्राम 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। 69 नंबर, हल्दी घाटी का संग्राम कब हुआ था? हल्दी घाटी का संग्राम पूछ रहा है, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी का जो संग्राम हुआ था बच्चों, कब हुआ था बताइए? ये जो हुआ था 1569 ईस्वी को, 1562 ईस्वी को, 1572 ईस्वी को, 1576 ईस्वी को। तो 1576 ईस्वी को जो है हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक, आगे देखिए यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? पानीपत का तीसरा संग्राम किन दो शक्तियों के मध्य हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा है। अभी मैंने बताया आप लोग को तीसरा संग्राम किन दो युद्धों के बीच हुआ, तो मराठा तथा तुर्कों के बीच, मराठा तथा अंग्रेजों के बीच, मराठों तथा अफगानों के बीच, मराठों तथा मुगलों के बीच। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था बच्चों, वो किनके किनके बीच हुआ था? मराठा और, ठीक है, मुगल शाह के बीच हुआ था। ठीक है, मराठों और मुगलों के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था तृतीय युद्ध। 1761 ईस्वी को, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। अभी मैंने बताया आप लोग को 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखिए, अस्थाई का संग्राम कब हुआ था? कौन संग्राम? अस्थाई का संग्राम पूछ रहा है बच्चों। तो अस्थाई का संग्राम जो हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था कोई बता सकते हैं? तो अस्थाई का संग्राम जो है, देखिए देखते हैं, 1807 ईस्वी को, 1812 ईस्वी को, 1819 ईस्वी को, 1903 ईस्वी को। तो ये जो हुआ था बच्चों 1812 ईस्वी को अस्थाई का संग्राम हुआ। अस्थाई का संग्राम कब हुआ? 1812 ईस्वी को, 1812 ईस्वी को अस्थाई का संग्राम हुआ था। ठीक, आगे की तरफ चलिए, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जम्बू खाने में किस प्रकार की तोपों को स्थान दिया गया था? वो कौन सी प्रकार की तोपें थी जो जम्बू खाने के अंतर्गत थी? भारी तोपों को, 12 पौंड की तोपों को, हल्की तोपों को, 84 पौंड की तोपों को। तो ये जो है जम्बू खाने में हल्की तोपों को जो है स्थान दिया गया था। जम्बू खाने में जो है तोप रखा जाता था, उसमें हल्की तोपें रखी गई थी। वही जो कह रहा है कि जम्बू खाने में हल्की तोपों को स्थान दिया गया था। ठीक, आगे देखिए 73 नंबर, सिखों के डेरा इलाही बख्श में कितनी तोपें होती थी? सिखों का जो डेरा था कौन सा? इलाही बख्श, उसमें कितने तोपें होती थी यही पूछ रहा है ना। तो वो जो है बच्चों 18 तोपें, 14 तोपें, 17 तोपें, 12 तोपें। तो 14 तोपें जो थी बच्चों इलाही बख्श में, 14 तोपों का जो है डेरा इलाही बख्श में 14 तोपें हुआ करती थी। कितनी? 14। ठीक, आगे देखिए, ध्यान दीजिए 74 नंबर, 74 नंबर, सिखों की सेना में किन लोगों को अधिक भर्ती किया जाता था? वो कौन से लोग थे जो अधिक भर्ती होते थे? जाटों को, सिखों को, राजपूतों को, गुर्जरों को। तो सिखों की सेना में जो है अधिक भर्ती किया जाता था किनको? तो वो थे बच्चों जाट। जाट को जो है सिख की सेना में अधिक स्थान दिया गया था, अधिक भर्ती किया जाता था, और तब वो युद्ध लड़ते थे। जाट बहुत बहादुर होते हैं। ठीक है, 75 देखिए, सिखों की सेना के मुख्य हथियार कौन से थे? मुख्य हथियार पूछ रहा है कि वो कौन से थे। तलवार, भाला और कृपाण, बल्लभ, बरछे, धनुष बाण, बंदूकें तथा तलवार, कृपाण, बंदूकें तथा तलवार, बताइए।
तो वो थे बच्चों 75 नंबर का, डी नंबर हो जाएगा। सिख कृपाण रखते हैं, बंदूक तथा तलवार ये मुख्य हथियार थे इनके। तलवार और कृपाण तो उनका हथियार होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। एक गन था, बंदूक जो थी एक एक्स्ट्रा थी, यही वे लोग रखते थे और इनका मुख्य हथियार हुआ करता था। सिखों का मुख्य हथियार तलवार, बंदूक और कृपाण। ठीक है, 75 से आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। महाराजा रणजीत सिंह की मिलीजुली सेना को क्या कहते थे? महाराजा रणजीत सिंह की जो मिलीजुली सेना थी उनको हम क्या कहते थे? फौज ए सवारी, नियमित सेना, फौज ए किलाजात, सामंती सेना। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो मिलीजुली सेना थी उनको क्या कहते थे हम? क्या कहते थे उनको? कहते थे बच्चों फौज ए किलाजात। मिलीजुली सेना को फौज ए किला जात नाम दिया गया था। आगे देखिए, सिखों तथा अंग्रेजों के मध्य सोबराओं का युद्ध कब हुआ? सोबराओं का युद्ध पूछ रहा है, ये सिख और अंग्रेज के मध्य हुआ था, ये सन पूछ रहा है, ईस्वी सन कि कब हुआ था ये। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 1846 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1862 ईस्वी को, 1842 ईस्वी को। तो 1846 ईस्वी को जो है क्या हुआ था? सिखों और अंग्रेजों के मध्य सोबराओं का युद्ध हुआ था 1846 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 78 नंबर क्या हो? सोबराओं के युद्ध में सिखों की हार का प्रमुख कारण क्या था? सिखों की हार का वह कौन सा प्रमुख कारण पूछ रहा है, क्या था? जनरलों का विश्वासघात, सेना नायकों की अदूरदर्शिता, गलत निर्देशन और कुशल नेतृत्व का अभाव। तो सोबराओं के युद्ध में सिखों की हार का प्रमुख कारण क्या था? वो था जनरलों का विश्वासघात। जनरलों का विश्वासघात जो था वो सिखों की हार का प्रमुख कारण था, जनरलों का विश्वासघात। ठीक है, जनरल विश्वासघात कर गए थे तभी सिख हारे थे। ठीक है, तो इसी में जो है इस युद्ध में उनका प्रमुख कारण हारने का यही था। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ, सिखों का राज्य कितने मिसलों के अनुसार बना था? कितने मिसलों के अनुसार बना था? 15 मिसल, 10 मिसल, 12 मिसल, 9 मिसल। अरे सिखों का राज्य जो है कितने मिसलों के अनुसार बना था? तो ये बना था बच्चों 79 नंबर का हो जाएगा, 12 मिसल के अंतर्गत सिखों का राज्य बना हुआ था। कितने? 12 मिसल। ठीक, सिखों की सेना में किस अंग को प्रमुखता दी गई थी? वो कौन सा अंग था जिसको प्रमुखता दी गई थी? पैदल सेना को, घुड़सवार सेना को, तोपखाने को, बंदूकधारियों को? तो सिखों की सेना में किस अंग को प्रमुखता दी गई थी? तो वो है बच्चों 80 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? तो घुड़सवार सेना को प्रमुखता दी गई थी। सिखों की सेना में किस अंग को प्रमुखता दी गई थी? तो घुड़सवार सेना को, घुड़सवारी जो थे उनको अधिक प्रमुखता दी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, 81 नंबर देखते हैं। सिखों के समरतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिखों के समरतंत्र हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? आघात नीति, द्वंद नीति, छापमार नीति, चोट नीति। तो ये जो है सिखों के समरतंत्र की प्रमुख विशेषताएं जो थी बच्चों, 81 का क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? तो ये हो जाएगा छापमार नीति। छापमार नीति के अंतर्गत सिखों के समरतंत्र की प्रमुख विशेषता नाम दी गई, छापमार नीति। ठीक है, वो भी छापमार नीति के अंतर्गत ये विशेषता से युद्ध लड़ते थे। ठीक है, सिखों में 100 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहते थे? सीलदार, रिसलदार, दरोगा लश्कर, कमेदार, बताइए। तो 82 का हो जाएगा बच्चों डी नंबर, कमेदार जो है 100 सैनिकों की एक टुकड़ी को कहते थे, क्या? कमेदार। ठीक है, आगे देखते हैं 83 नंबर क्या कह रहा है। 83 नंबर कह रहा बच्चों, सैन्य प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है?
सैन्य जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सैन्य प्रशासन जो होता है, उसका पूछ रहा है कि प्रमुख सिद्धांत जो है वो क्या होता है। लचक, मितव्ययिता, दूरदर्शिता, सहयोग। 83 नंबर का हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? दूरदर्शिता। दूरदर्शिता जो है सैन्य प्रशासन की प्रमुख सिद्धांत होती है, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता उनकी प्रमुख सिद्धांत। भारतीय नियमित स्थल सेना का प्रमुख कर्तव्य क्या हो? नियमित स्थल सेना जो थी उसका प्रमुख कर्तव्य पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो क्या है प्रमुख कर्तव्य? ऑप्शन की ओर देखते हैं। देश को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करना, भारतीय नियमित स्थल सेना का प्रमुख कर्तव्य देश को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करना, आंतरिक शांति स्थापित करना, स्वाधीनता बनाए रखना, और देखिए यहाँ डी नंबर, जल तथा थल से सेना की सहायता करना। तो ये हो जाएगा 84 का बच्चों, क्या हो जाएगा? बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना देश को स्थल सेना का प्रमुख कार्य होता है, कि कोई बॉर्डर पर प्रवेश नहीं कर पाए दुश्मन देश, उससे सुरक्षित रहे हमारा देश, यही उस सेना का मुख्य काम होता है। 85 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। 85 नंबर ध्यान दीजिएगा, भारत की स्वाधीन सरकार ने प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की? प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की? 1950 में, 1948 में, 1962 में, 1971 में। बताइए, स्वाधीन सरकार ने प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की थी, यही तो पूछ रहा है। तो 85 का हो जाएगा बच्चों बी नंबर, 1948 में जो है प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई, स्वाधीन सरकार ने प्रादेशिक सेना की स्थापना 1948 में की थी। ठीक है बच्चों, स्वाधीन सरकार ने कब स्थापना की थी? 1948 में प्रादेशिक सेना की स्थापना की थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी हम लोग मोटिवेट होके अच्छा टिप्स आप लोग के लिए लाते हैं, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।